गिरने वालों को चले दूजा से आप अलग खेत लिया करते जरा जोर से आई जिसका तर्जमा आला हजरत ने बयान फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, तुम मैदान कयामत में मिसलुल दुबाब वल जरारीब, तुम टिड्डियों और मक्खियों की तरह जहन्नम में औंधे गिर रहे होंगे। आप फरमाते हैं, मैं तुम्हारे कमरबंद पकड़ पकड़ कर तुम्हें जहन्नम से आजाद कर रहा हूँ। शान मेरे आका की है, वो ताकत मेरे आका की है, वो कुदरत मेरे आका की है, वो कुव्वत मेरे आका की है। आला हमें किसी इसी हदीसे पाक की तर्जमानी फरमाते हैं, आपकी रहमत आलम उल्टे कमरे पाक के दामन बांधे, गिरने वालों को चहे दो दख से साफ वाले खेत लिया करते हैं। एक एक हदीसे पाक अभी ये हमारे मुदर मदरसे के मुदरिस हाफिज शहजाद साहब उस्ताद ज़मन का एक कलाम पढ़ रहे थे, मैदान महशर का एक जो नक्शा खींचा है वो हकीकत में यूँ लगता है कि जैसे मैदान महशर में हम आज बैठे हैं। फरमाते कोई करीब तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पे उनको पुकारता होगा, अजीब बच्चे को वहाँ जिस तरह तलाश करे, खुदा तबाह वही हाल आपका होगा, खुदा तबाह वही हाल आपका होगा। ये सारी चीज़ें हमारे पास एक आखिर में फरमा देते हैं, वो बात दिल की नहीं जिसको अपना अंदेशा उसमें फिक्र और तरद्दुद में फिर गया होगा। नहीं, हमें उठूं और शर्मा में नहीं फिरना, इसलिए कि हमें पता हमारे बचाने वाले आका वहाँ पर मैचर में सदारत फरमाएंगे, मैचर में सदारत फरमाएंगे। फकत इतना सबब है इन इकादे पस में मैचर का, आका तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। एक सहाबी है आका की बारगाह में, इमाम बुखारी ने इस हदीसे पाक को नकल किया और कई मुहद्दिसीन ने इसको रिवायत किया है। फरमाया जाता है एक सहाबी रसूल है, अल्फाज बुखारी को सुनो, इमाम बुखारी फरमाते हैं कुंतो अभी तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी रसूल कहते हैं मैं आका के साथ आका की खिदमत में रहा करता था। अभी तो मा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं आका की खिदमत में रहा करता था, वह आते ही तो बेवजू ही वह हाजात ही आका के लिए कभी मैं वजू का पानी लाया करता और कभी कभी आका हुक्म फरमाते ताबीर किया करता। तवज्जो ज़ैन आदिर साहबी रसूल फरमाते हैं मैं आका की खिदमत में रहा करता था, आका के लिए कभी वजू का पानी लाया करता, आका के हुक्म फरमाते उनकी ताबीर किया करता। फरमाते एक दिन मैं आका की बारगाह में हाजिर आया, आका फरमाते हैं कल या रबिया ऐ रबिया आज नाम क्या मानता है मैं तुझे आका करूंगा। ये हदीस कहाँ की है, कहाँ की है तवज्जो के साथ, ये हदीस बुखारी शरीफ की है, कहाँ की है बुखारी शरीफ की है, इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को नकल किया। तवज्जो ज़हन रखना, आका फरमाते हैं तवज्जो सल या रबिया ऐ रबिया मान क्या मानता है, बेशक बेशक पता क्या चला इससे, दर्श क्या मिला, वो कौम जो कहते हैं कि जो मांगना अल्लाह से मांगो, वो लोग जो कहते हैं जो चाहिए अल्लाह से मांगो, अगर नबी से मांग लिया तो मुशरिक हो जाओगे, अगर अली से मांग लिया तो मुशरिक हो जाओगे, अगर अल्लाह वालों की बारगाह में चले गए तो मुशरिक हो जाओगे। नहीं नहीं, ये अकीदा है वहाबियों तुम्हारा हो सकता है लेकिन वो मिलेगा, वो दरे मुस्तफा से मिलेगा। ये मैं कोई हवाओं में कश्ती नहीं बांध रहा, मैं तकरीर ऐसी जोशीली करकर जाने का कायल नहीं। इमाम बुखारी ने इस हदीस पाक को बुखारी शरीफ में नकल किया है। आका फरमाते हैं सहाबी रसूल का नाम याद रखना, हजरत रबिया बिन काब असलमी है, सहाबी है। आका फरमाते हैं सल या रबिया ऐ रबिया मान क्या मानता है मैं आज तुझे सबका कर दूंगा। आका ने भी ये पैगाम दे दिया कि बेशक देता रब है लेकिन मेरे वसीले ही अदा करता है। खुदा खुश आता करे, आशा गलत गलत नहीं, जो जिसे मिला है, जो जिसे मिलेगा वो सब मुस्तफा के वसीले से मिलेगा। कुरान उठा कर देखो, रब इरशाद फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह तक पहुंचने के लिए ये वसीला तलाश करो। बेशक बेशक ये वसीला ही हम तलाशते हैं। ये वसीला जो कुरान ने कहा तलाशो, वसीला कब तक पहुंचने के लिए तलाश करो, तो वसीला हम तलाशते हैं। हम गए सरकार से पेशो सुन्नत की बारगाह में, बोले वसीला तलाशता है। हम आपकी बारगाह में आए हैं, बोले चले जा आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत के पास गए, सरकार वसीला तलाशता है, तलाशते आए हैं। कुरान ने कहा है वसीला तलाशो। आला हजरत बोले मौसी पाक की बारगाह में चला जा, पाक बोले बोले हसैन की बारगाह में चला जा। उन्होंने सहाबा तक पहुँचा दिया, सहाबा ने आका तक पहुँचा दिया। आला हजरत बोले मुस्लिम वाला चाहते हो तो वसीला हो। बोले वसले मौला चाहते हो, वो वसीला ढूंढ लो। कुरान है बब तबू इलैहिल वसीला, अगर रब तक पहुंचना है तो वसीला तलाश करो। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, शहजादे हुजूर मासूम है मिल्ला जिंदाबाद, शहजादे हुजूर नासिर है मिल्ला जिंदाबाद, शहजादे हुजूर नासिर है मिल्ला जिंदाबाद, मुहम्मदुल हजमत जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खुदा पाक पढ़े अल्लाह हु मैं बुखारी शरीफ की हदीस बयान कर रहा था। हजरत रबिया फरमाते हैं आका की बारगाह में मैं वुजू के लिए पानी लाया करता था। आका हुक्म फरमाते मैं तालीम तामील किया करता। फरमाते एक दिन आका ने फरमाया सर या रबिया, मांग है रबिया क्या मांगता है। अब हजरत रबिया सोचो, अगर आका आपसे फरमाते तो आप क्या मांगते, हमसे फरमाते हम क्या मांगते। हजरत रबिया सहाबी हैं, आगे बढ़े अखबार बुखारी की सुनो। फरमाते हैं अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नत या रसूलल्लाह, आका जिस तरह दुनिया में अपने साथ ही रखा है ना, जन्नत में भी अपने साथ ही रखिए। आका जिस तरह दुनिया में अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नत, आका जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। आका ने फरमाया कह रबिया मांग क्या मांगता है। हजरत रबिया ने कहा आका जन्नत में आपका जन्नत में आपका साथ चाहता हूँ। तवज्जो तवज्जो, ये दरबारे हुजूर है, यहाँ मिलता है बिन मांगे। अरे नादा यहाँ दामन को फैलाया नहीं, का झोली ही मेरी तन थी, मैं क्या उनसे मांगता। वो तो कहते रहे मांग जरा और मेरे को मांग। आगे जब हजरत रबिया कहते हैं आका जिस तरह दुनिया में आपने अपने साथ रखा है, आखिरत में भी जन्नत में भी अपना साथ दे दीजिएगा, अपने साथ रख लीजिएगा। अरे बात बुखारी के है, ए रबिया ये दे दिया गया और गैरा जालिम और कुछ चाहिए है तो वो बता दे। मियां अल्हम्दुलिल्लाह ने सुन्नत का अकीदा एक एक कुरान और हदीस से साबित है। एक एक अकीदे पे कई कई हदीसें हैं। अगर वक्त होता तो मैं आपको तफसील में ले जाकर इस मौजू के ऊपर अहादीस जो मेरे जहन में है वो इतनी है, क्योंकि 12-15 साल से तो जामेतुल अजमतिया में बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ और तमाम सियाह सित्ता पढ़ाते भी हो गया। इतनी हदीसें मेरे जहन में इस वक्त है कि रात भर मैं बयान ही करता रहूंगा। लेकिन सुनो, मैं जो आपको बयान करने लगा, मैं जो आपको बताने लगा, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। आका ने क्या फरमाया, ऐ रबिया तुमने जन्नत मांगी तुम्हें दे दी गई, और कुछ चाहिए तो वो बता दो। अब उन्हें आगे से क्या मांगना था, उन्हें तो सब कुछ मिल गया था ना, वो खामोश रहे। अच्छा, मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ है, हजरत रबिया आप सहाबी रसूल, आका ने आपसे कहा था और कुछ मांगना है रबिया वो भी मांग लो, तो हजरत रबिया की मोहब्बतों ने जवाब दिया कि उठाओ हजरत महमूद और हजरत अयाज का वाकया। जानते हो एक हजरत महमूद और अयाज की तारीख इसी तारीख इस्लामी में गुजरी है। बादशाह हजरत महमूद हजरत अयाज से कहते हैं, अय अयाज मांग क्या मांगता है, आज जिस चीज के ऊपर हाथ रखते हुए दरबार लगा है, हजरत महमूद का बादशाह है ना, दरबार लगा है। हजरत अयाज से कहते हैं, अय अयाज आज जिस खजाने पर तेरा हाथ होगा वो खजाना महमूद तुझे दे देगा। अब सारे दरबारी देखते हैं, अरे इतना बड़ा बड़ी इजाजत मिल गई। सारे दरबारी हैरत देखते कि हजरत अयाज सोने पर हाथ रखते हैं, कशर्फियों पर, हजरत अयाज ये हीरे जवाहरात पर हाथ रखते हैं के 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 किस चीज के ऊपर हाथ रखते हैं। हजरत अयाज आगे बढ़े और आगे बढ़े और आगे बढ़े और हजरत महमूद के ऊपर हाथ रखते हैं।
करते हैं दीवान दानिश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए आला हजरत फरमाते हैं। दीवानों को तुम बेवकूफ समझते हो, आला हजरत फरमाते हैं मुझको दीवाना बताते हैं मैं वो होशियार हूँ। बेशक बेशक मुझको दीवाना बताते हैं मैं वो होशियार हूँ। पाओ जब तोहफे हरम में थक गए सर फिर गया, मेरे थक गए तवाफे हरम करते करते तो पाओ ने कहा आप नहीं चल सकते, तो आला हजरत बोले मेरे सर ने कहा अभी सर का चलना बाकी है, दीवाना बजाते लोग मुझे दीवाना कहते मैं वो होशियार हूँ। हाँ अब सुनो, अब हजरत महमूद हजरत अयाज ने हजरत महमूद पर हाथ रख दिया, लोगों ने सोचा ये क्या किया यार, सोना छोड़ दिया, अशरफियां छोड़ दी, जवाहरात छोड़ दिए, तुमने महमूद पर हाथ रख दिया। हजरत अयाज बोले सुनो मैं भी बहुत होशियार हूँ, सुनो जब इजाजत मिली मेरे मेरे लिए हजरत महमूद की बारगाह से कि जिस चीज पर हाथ रख दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी, तो मैंने सोचा सोने पर हाथ रखता हूँ तो अशरफियां जाती हैं, अशरफियां पर हाथ रखता हूँ तो ये वाला जाते हैं, ये मोती जाते हैं, मैंने सोचा वो काम क्यों ना करूं कि सब मिल जाए। मैंने अयाज हमला करवाते मैंने महमूद पर हाथ रख दिया, महमूद मेरे तो सोना मेरा है, सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, अना अव्वलो मन यदखुलुल जन्नत, सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा। आका फरमाते मेरे साथ 70,000 लोग जाएंगे, बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो, अभी और आगे भी हदीस है, फरमाते आका और उन 70,000 में से हर एक एक के साथ 70,000 और होंगे, बेशक सुभान अल्लाह। 70,000 में से हर एक एक के साथ 70, तो अपने कैलकुलेटर में जोड़ते रहना, तुम्हारे कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आका फरमाते मेरे साथ 70,000 होंगे और 70,000 में से हर एक एक के साथ 70,000 होंगे। अच्छा ये कौन सी जमात है, ये पूरी नहीं है। फरमाते लैसा अलैहिम हिसाब, ये वो जमात है जो बगैर हिसाब किताब के दारे जन्नत में जमा जन्नत में। मियां हकीकत ये है, सच्चाई ये है, दुनिया में भी हुक्मरानी आका की और आखिरत में भी हुक्मरानी आका की, जन्नत भी आका की। तभी तो आला हजरत बोले माका मैं तुम मालिक ही कहूंगा, तुम मालिक के हकीक, यानी महबूब व मोहिब में नहीं मेरा तेरा। आका फरमाते हैं मैं 70,000 मेरे साथ होंगे, उनमें से हर एक एक के साथ 70,000। तवज्जो ध्यान रखना,
आगे आका फरमाते हैं 4 लाख को और जन्नत में लेके जाऊंगा। बेशक बेशक अभी तक गिनती है। चलो चलिए, अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, बहुत बड़ा नाम, खुतबे के अंदर जुमे में अभी आप कल भी सुनेंगे, अफगनुल बशर बादल अंबिया बिततहकीर, नबियों के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। बेशक जब ये आका बशारत दे रहे थे ना कि मैं इतने इतने को जन्नत में अपने साथ लेके जाऊंगा, हजरत अबू बकर सिद्दीक रावी बयान करते, तवज्जो हदीस हदीस से बात सुना रहा हूं मैं आपको, मैं ये किताबें और कहानियां नहीं सुना रहा आपको खाली, तवज्जो के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला आगे बढ़े, अल्फाज सुनो हदीस के, फरमाते हैं जिदना या रसूलुल्लाह, हुजूर को ज्यादा फरमा दे। बेशक बेशक जोर से सुभान अल्लाह। वो कहां गए जो कहते हैं तो मांगना अल्लाह से मांगो, अगर नबी से मांगा तो मुशरिक हो जाओगे। अरे मियां, ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला का कहना है कि अगर जन्नत भी मांगना है तो वो आका के दर से मिले। बल्कि सहाबा का तरीका है, मैंने साबित किया ना अभी, मैंने बताया ना इस मफहूम की मेरे जहन में इतनी अजीब से मैं रात में बयान करता हूँ, लेकिन बस अब सुनिए, अब फरमाते जिन्ना या रसूलल्लाह आका को ज्यादा फरमा दे। आका ने ये नहीं कहा अरे सिद्दीक तुमने क्या शिर्क कर दिया, अरे तुमने तो गैरुल्लाह से मांग लिया, नहीं, आका हाथ उठाते हैं और वो हाथ उठे जिससे तो गनी कर दिया, वो के पहले समावत पे आपको सलाम, आका हाथ उठाते हैं, अल्फाज हदीस के ये आका ने जो हाथ मिलाए और यूं मिलाने के बाद यूं झटका दिया और देने के बाद कहा सिद्दीक इतने और, यूं मिलाए हदीस के बाद इतने और, हजरत सिद्दीक अकबर वो तो जन्नती है ना, वो तो अशरफ मुबशरा में से, उन्हें तो दुनिया भी जन्नत में मिल गई। आका ने फरमाया था ना अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, है ना अली फिल जन्ना, ये तो अशरफ मुबशरा, ये तो जन्नत दुनिया में बशारत मिल गई थी, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को हम जैसे गुनाहगारों की भी तो फिक्र थी ना, ये भी तो जन्नत में बगैर हिसाब किताब को मुझे लेके जाना है। आगे फिर बढ़े, कहा जितना या रसूलल्लाह आका कुछ और ज्यादा फरमा दे, दोबारा आका ने हाथ उठाए और कहा कि सिद्दीक इतने और, तीसरी मर्तबा फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना या रसूलल्लाह आका कुछ और ज्यादा फरमा दे, तब हजरत फारूक आलम रजी अल्लाह तआला जो आपके बगल में बैठे थे, अल्फाज हदीस को सुनो, फरमाते दाना या अबा बकर, ऐ अबू बकर अब रहने दो, क्या फरमाते हैं, ऐ अबू बकर अब रहने दो। तो अब सुनो, हजरत अबू बकर रजी सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जो अभी तक आका से गुफ्तगू कर रहे थे, घूम कर हजरत फारूक के आदम की तरह मुतवज्जा होती हैं और फरमाते मा फाला या उमर, ऐ उमर तुम्हें क्या इतराज था कि आज मैं आका से आका की पूरी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में लेके जा रहा हूं। बेशक या अल्लाह रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उसे मिला, पढ़ती है कौनैन में नियामत रसूलुल्लाह की, फरमाते हैं उमर तुम्हें क्या इतराज था कि आज मैं आका से आका की पूरी उम्मत को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में लेके चला जाता। तो वो भी तो उमर फारूक आजम थे ना, वो भी तो तर्जमाने नबी थे ना, वो भी तो हम जुमाने नबी थे ना। फरमाते हैं ऐ सिद्दीक मेरा अकीदा ये है कि आका ने जो पहली मर्तबा कहा इतने और, आका के दस्ते पाक में पूरी उम्मत तबाह गई। दोबारा तो आपकी मोहब्बत में कह दिया था, तो मैं ये चाह रहा था आका को अब तकलीफ ना दे, आका ने तो सबको जब बगैर हिसाब किताब के जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया। अब तवज्जो, अभी तक कोई कह सकता है कि ये तो हजरत फारूक आजम का अकीदा है, उन्होंने कहा, हालांकि सहाबी का कौल भी हदीस होता है, ये अब अलग गुफ्तगू है, कभी अगर वक्त होगा तो मैं उस जानिब जाऊंगा, लेकिन कोई कह सकता है ये तो उनका अकीदा, जब फारूक आजम ने ये फरमाया ना ऐ सिद्दीक आका के हाथ में पूरी उम्मत आ गई, आका सुन रहे हैं ना सामने बैठे, आका मुस्कुराए और कहा सदा का उम्मत उम्र सच कहता है, बेशक बेशक मोहर लग गई मोरे नबुवत, उम्र सच कहता है। एक बात आपके जहन में एक आई हुई, करोड़ों लोग
लाखों लोग, लाखों से ज्यादा करोड़ों बल्कि बेगिनती बेशुमार आका के दस्ते पाक में समा गए। तो मैं बताना चाहूंगा बस एक बात और आप उसके बाद इंशाल्लाह सलात हो जाएगा। आका की बात तो बहुत भड़काऊ वाला है, वराहुल वाला है। आका के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीबों नवाज तशरीफ लाए थे। बेशक बेशक ले जाकर बस आप उसका एक हिस्सा बयान करता हूँ। लोगों ने पानी बंद किया, गरीबों नवाज को प्याला भेज दिया कि सुनो मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं इख्तियार वाले नबी का इख्तियार वाला बंदा हूँ। जो मिला हमें मिला और जो मिला पैसा मिला और